हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट भर्ती के बारे में, जो आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। भर्ती का नाम यहाँ दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेटरी ऑफिसर पीओ ऑनलाइन फॉर्म, यानी पीओ की यहाँ पर भर्ती आई हुई है दोस्तों। तो इस भर्ती पर क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी लगेगी और कब से कब तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को इसकी भी जानकारी हो सके और स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल सके कि बैंक से रिलेटेड जो भी भर्ती आने वाली थी वो भर्ती आ चुकी है। जितने भी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए इंतजार अब खत्म हो चुका है और उनके लिए एक गोल्डन चांस है। तो इस भर्ती का आवेदन जरूर करें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप लोग देखिए बिना स्किप करते हुए। यहाँ नेमा पोस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्रेडिट ऑफिसर आईटीआई ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन। ये 500 पदों पर भर्ती आई हुई है दोस्तों और 10 फरवरी को यह अपडेट हुई थी। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यानी इस भर्ती से रिलेटेड छोटी सी जानकारी दी जाती है, जो इस भर्ती में पूछा जाता है और क्या क्या इस भर्ती को आवेदन करने में आपको लगेगा। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया जाता है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना पड़े और वह इस छोटी सी जो जानकारी है इसको आसानी से पढ़ सके और अपनी ही भाषा में से समझ सके। तो चलिए यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों से हम बात करेंगे। तो बैंक बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफिसर इन JMSI अपन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। तो कहने का अर्थ यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ, शॉर्ट जानकारी में दे दूँ, यहाँ पर जानकारी दे 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 देता हूँ। यहाँ दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल PGDBF भर्ती 2023 अधिसूचना पास करने पर प्रोबेंट्री ऑफिसर में भर्ती जारी की गई। यहाँ पर इसकी भर्ती जारी की गई है और जिस जो भी उम्मीदवार इस पर जो रुचि रखता है इसका आवेदन कर सकता है, वह 11 फरवरी से लगाकर 25 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी डेट मेंशन की जाती है, आवेदन प्रक्रिया और लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की जाती है कि विद्यार्थी कब से कब तक इसका आवेदन कर सकता है। तो यहाँ 21 फरवरी से लगाकर 25 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन करा सकता है या खुद से कर सकता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस बताएंगे, ताकि आप घर बैठे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो इस भर्ती में क्या क्या दिया गया है, जैसे भर्ती की योग्यता दी गई है, आयु सीमा दी गई है इसकी और पात्रता दी गई है, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसका विज्ञापन आप पढ़ें और फिर आवेदन करें। तो यह इसकी छोटी सी जानकारी हो गई। यदि हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन के, तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किस भर्ती की मांग की गई है, यानी पीओ भर्ती की मांग की गई है ऑफिसर पीओ, और यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर यानी दो भर्ती यहाँ पर आई हुई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो 23,700 यहाँ पर मंथ की यहाँ पर सैलरी दी गई है पर मंथ इन हैंड। और यदि हम बात करें इसकी डेट की, लास्ट डेट और आवेदन प्रक्रिया, तो यहाँ आप आवेदन की डेट दी गई है 11/2/2023, यानी 11 तारीख से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी तक आप इसका आवेदन करा सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट है 25 फरवरी। तो यहाँ पर अभी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड अभी कोई इस पर डेट कोई मेंशन नहीं की गई है। चलिए हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 850 रुपये, SC ST की पेज की 175 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फीस दी गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ एज लिमिट देख सकते हैं मिनिमम 20 ईयर्स से लगाकर 29 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट है इसका आवेदन कर सकते हैं और 500 पदों पर ये भर्ती है। ये मैंने आपको वीडियो को शुरू में बता दिया था, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसके विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पोस्ट नेम दिया गया है, कितने पोस्टें हैं यहाँ पर और टोटल पोस्ट दी गई है, कितने टोटल पोस्ट में कितनी पद अवेलेबल है और इसकी इसकी इसी के सामने ठीक क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी दी गई है, क्या इसकी पात्रता लगेगी। तो पहले जो पोस्ट नेम है क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 350 पोस्ट दी गई है टोटल, बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगा गया है इसकी क्वालिफिकेशन। और जो दूसरी पोस्ट नेम है आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम दिया गया है, यहाँ पर 150 पोस्ट टोटल पोस्ट दी गई है
और बैचलर डिग्री यहाँ पर भी कंपलसरी मांगा गया है। और इसके विषय में जो क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कई सारी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इस क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि आपको इस भर्ती पर आवेदन करना है तो इस पर भी कोई भी आपकी डिग्री हो तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई दोस्तों। अब अगर यहाँ हम बात करें इसकी आवेदन प्रक्रिया की, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसकी पात्रता लगने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक। यहाँ देख सकते हैं हाउ टू फिल बैंक ऑफ इंडिया पीओ रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकता है, जो भी भाषा उसको आसान लगे उस पर पढ़ सकता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो पहले जो कॉलम दिया जाता है उस पर बताया जाता है कि आप किस तारीख से लगाकर इस तारीख के बीच तक आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। और दूसरे में ये फॉर्म दिया गया, इस भर्ती को भरने से पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, इसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है और क्या जो भी क्वालिफिकेशन इससे मांगी गई है जुड़ी हुई, वो सारी चीज के बारे में पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को आवेदन करना स्टार्ट करें। जो भी दस्तावेज यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पात्रता, आईडी प्रूफ और मूल विवरण, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में एक दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं फोटो साइन चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, बेसिक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ये सारी चीज आपको लगेंगी फॉर्म को फिल करने में। तो फॉर्म को फिल करने के बाद, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारा डाटा आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपको फॉर्म को एक बार रीचेक कर लेना है, यानी उसका प्रीव्यू चेक कर लेना है। सभी कॉलम को ध्यानपूर्वक चेक कर लें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि इस पर करेक्शन डेट नहीं दी गई है। फॉर्म को भरने के बाद इसका शुल्क जमा कर, शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका प्रिंट डाउनलोड कर लें ताकि आपको एडमिट कार्ड निकलाने में या निकालने में दिक्कत ना हो। फॉर्म को आवेदन करने के लिए यहां से आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके, क्लिक हियर पर जाकर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर आकर इसकी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं जो इस भर्ती से संबंधित होता है और इसके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस टूल्स के माध्यम से फोटो को साइज रिसाइज करने में आपकी बहुत सहायता मिल सकती है आपको, तो इस टूल्स का अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें दिक्कत पड़ती है कि फोटो को साइज रिसाइज या केवी में बदलने में दिक्कत होती है। तो आप इसी टूल्स के माध्यम से आप फोटो साइज रिसाइज कर सकते हैं, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं से आप बायोडाटा कंप्लीट कर सकते हैं और अपना रिज्यूम भी कंप्लीट कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस टूल्स के से काफी सारे आपको हेल्प मिलने वाली है, तो इस टूल्स का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन चाहिए, यदि आपको जानकारी चाहिए इसी तरीके डेली भर्ती की, तो आप ज्वाइन अवर टेलीग्राम पेज को फॉलो कर ले ताकि इस भर्ती जैसे ही कोई भी भर्ती आए या किसी प्रकार का रिजल्ट, एडमिट कार्ड, किसी भी भर्ती से रिलेटेड आए तो आपको जानकारी प्राप्त हो सके। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है BOI ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस पर क्लिक करके इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हमने जितनी भी जानकारी दी गई है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। और इस भर्ती का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और एक बात, और कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर यहाँ से आप जिस रोजगार तक वेबसाइट से आप बता रहे हैं तो ये भर्ती क्या और सरकारी रिजल्ट में मिल जाएगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूंगी ये भर्ती ऑल इंडिया आप किसी भी साइट पर चेक कर लीजिए तो ये आपको भर्ती मिल जाएगी। यदि आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आप क्रोम ब्राउजर पर आकर रोजगार तक.com क्लिक कर सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आपको ये पोस्ट बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगी, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट भर्ती के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।